जसवंत सिंह जी जसवंत साहब के बाद 2014 में जब गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब जीते, एक साल बाद ही केंद्र में कृषि राज्य मंत्री बन गए और कम ही समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के लाडले बन गए। उसी कार्यकाल में इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया। दूसरी बार आप सब ने आशीर्वाद देके भेजा तो केंद्रीय मंत्री बने, जल शक्ति मंत्री बने और टॉप 5 में शुमार हुए। हिंदुस्तान के टॉप 5 नेताओं में हमारे केंद्र सिंह जी की गिनती होने लगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि गजेंद्र सिंह जी जीतेंगे और मंत्री बने। और लगातार तीसरी बार मंत्री बनेंगे तो मोटो हो तो मिली नहीं बनी बताओ भाई सही। मंत्री तो बनी नहीं बनी थाने विश्वास है गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब मंत्री बनी अब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहीं छोटी छोटी कहीं थोड़ी बहुत भागे हवा के करण सिंह जी ने, मैं अगर करण सिंह जी ने वोट दे कर करण सिंह जी अपर कहीं बोलो गजेंद्र सिंह जी की मंत्री बनी एंड मारी कड़ी कड़ी जोड़ मारी कड़ी तोड़ दे तो सपनों में विकास को देखियो बारो जरूर है। इन वास्ते आप दो और भाई और मजबूत कड़ी छोड़ दो और हमारे वाले भरोसा कर लो, विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं है। आज अपनो परिवार गठ मोटा भाई निवास है, छोटा छोटा होड़वा तो मैं दे हूं। पर मारो आपको निवेदन हो है, मांग उनसे की जाती है जिन पर विश्वास हो कि ये जीतेंगे और मंत्री बने और जब ठा पड़ जाओ कि हमकी कामयाब को तो मांग ही को हमकी मैं चुनाव लड़ियो तो मांगने पहली लड़ियो आवनी हरू के ठा है कि हमकी बाबू सिंह जी दी रात बनी काम का एंड पहल के लड़ियो तो एक ही हरदी को है। इन वास्ते मैं विश्वास से कह सकूं माने भरोसा है और पक्का विश्वास ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत घना वोटो चुनाव और घना वोटो चुनाव जीते तो मारो आप सब और निवेदन है और पे सब गजेंद्र सिंह साहब निवेदन कराओ कि 10 साल की कसर 5 साल में कट और 5 साल का कार्यकाल वही समस्या और समाधान और अंतिम पड़ाव साबित हो जाए। शेर की जनता किसी की मोहताज नहीं हो, किसी का हाथ नहीं फैलाए। 5 साल में आप ऐसा काम करा के दे दो जिसे शेरगढ़ की जनता हमेशा हमेशा के लिए आपकी मुरीद हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले तो हमारा सपना है कि हमारे शेरगढ़ में सेखड़ा सबसे मध्य पड़ता है। आप उनकी जीत तो मंत्री बन रहे हैं वो पहलो काम कोई करो तो केंद्रीय विद्यालय हमारे शेखड़ा में करा दीजिए। और बरसात तक उन स्कूल में मेथाने यार और मारो ही सपनों है एंड बीचे मारो हार्ट अटैक भुगो तो मारे मन में रह जाए मैं थाने भुगता। एक तो मारे अटैक है ये तो करना ही है, एक बड़े रिक्वेस्ट है मारे मारा लिखा खेड़ा इंदावटी मारा गिनायत है। दूसरी बार इंदावटी क्षेत्र में एक हेमो सलाहकार एक इंदावटी में केंद्रीय दो खोल दो तो मेरे आप वहां घड़े रहते। एक जसवंत सिंह जसवाल साहब पता रहा था नाम जो नीतीश कुमार जी रेल मंत्री होता वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी होता उठे शेरगढ़ में ऊपर मीटिंग और मैं दादा राजू उनके मोहनी मको रेल बारी बारी दो घोषणा कर दी 11 लाख 11 करोड़ घोषणा करी सर्वे थोड़ो दियो संगड़ी वाया बेचू शेरगढ़ बालिस वह फाइल तैयार होने
दिल्ली सरकार में गेम रही, एक बार रेल लेने हैं तो उन्होंने भी आप विचार कर दियो, एक रेल मने मिल जावे तो एक नई सुख सुख करती रेलगाड़ी रेल कर दी। एक अठे एक घर छोड़ दूसरे घर में फौजी गौरव सेनानी अब आधो घंटो बिल्कुल बने देखो साहब आधो घंटो साबलोरी हमारी यहाँ भावना है कि मैं फौज में जाऊं देश की सेवा करूं। इन वास्ते आप केंद्र भी कोई अच्छी स्कीम है तो एक मोटो खेल स्टेडियम खेल एकेडमी खोला है दो उठे इंडोर स्टेडियम भी जाए बढ़ जाए तो आप बढ़िया तैयारी करें और खेलों में नाम कमान जिले में खेले स्टेट में खेले नेशनल में खेले पसे देख दी वर्ल्ड कप बड़े हीरो लाए। एक भर्ती केंद्र वाली मांग ही वैसे तो ये सैनिक स्कूल पूरे हिंदुस्तान का कंपटीशन होने के बाद ही बच्चे आते हैं और आप कोशिश कर दियो अगर भविष्य में सैनिक स्कूल खुले तो सेतरवा लोड़ता असलावता या पोड़ू पाबुच इन तीनों में एक जगह खुला है दो कटे भी अगर उन कंपटीशन मारा टापर हुए तो भरे इलाके में पट हम मोटी मांग अपर पानी और पानी भी एमपी साहब है दीवान है थोड़ी बड़ी बात है जैसलमेर में जन्मी है छोटा मोटा अटी हुआ अटे विश्वविद्यालय में जीत गया अटे वो एमपी बढ़िया मंत्री बने मैं भोम सागर में बताया चाबे में ओड में मैं टोका बताया हरो हरो मेलो पानी पड़ी बस आप दो मटियों देखी मैं तो एक खारे पानी एक मीठे पानी खारे पानी हाथ धो मीठे पानी पियो जे कोई खारे पानी हाथ धो बिल ढूंढता अड़ी स्थिति हुई इन वास्ते गंगा सिंह जी गंगा नहर ले आज भी गंगा सिंह जी याद अपर जोधपुर महाराजा जवई बांध बढ़ाए रहो जोधपुरी प्यास मिटाने वास्ते जवई जवई नहर लाए जोधपुरी प्यास में अब हमारी आपको प्रार्थना है कि आप पूर्वी राजस्थान वास्ते ईआरसीपी मंजूर करें इन वास्ते आपने धन्यवाद ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आप हमारो निवेदन है बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर हमारे मारवाड़ी धरती की प्यास हम की आप दिल्ली रेशन में पता और मोटा मंत्री बढ़ो तो हमारे वास्ते WRCP वेस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट बना दीजिए तो जो है जो गंगा नहर लाया जो जवाई नहर लाया जो फिर नहर माते भे ग्रंथ से जो ठप्पो लगा दे आ नहर किया कि ग्रंथ से जो और पीडी आई तो मेहमान क्या हो गए थोड़े पढ़ दो साहब अभी लाया आशीर्वाद तो मारा सब निवेदन हो तो काम आप करी और वह स्कीम भी आप तैयार करानी हरू करा दी हमारा आपने बता दी पर मारो आप सब निवेदन है कि मीटिंग पर से आप बैठ जो थोड़ी अपने घर ही आता है और कर मैं गंगा सिंह दिखाने गए परसों घरे बंगले मैं अटे हाथ दिन बैठ पर कौन सी स्कीम बनाई आपने हर गांव तक ढोनी तक पानी की कर पास गंगा सिंह साहब ने अप्रिशिएट करी और मैंने भरोसा दिलाए बाबू सिंह आप और हम दोनों साथ चलेंगे और सरकार के पांव पे पांव रख करके मुख्यमंत्री से बात करके सबसे पहले आचार संहिता के बाद कोई योजना सैंक्शन होगी तो फेल करती होगी वो प्लानिंग हमने कर दी अभी आपसे बात करेंगे उसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा तो हमें आप होश मत करो लाल 5 साल में स्थिति अपनी बिगड़ गई और मन में आयो कि भाई हम एक मौको यो नहीं दे मारे भाभी साहब ने थे मौको दिए मौको दे दियो मौको देख देख लिया शेरगढ़ 10 साल ला रही अब ओपे थोड़ा कहीं गए थोड़ा बड़े स्वभाव गीतों में गई जे घोड़ी मारवा
सहानुभूति देर रवे एडो मौको दियो के शेर कर दस साल लारी को बोट होश विचार दे हमें कोई कहे करण दिन मौको दे दो मैं कह जड़ो महीने कौन दिए उड़े करण दिन मामलो बने जोधपुर दस साल लारी जाए इन वास्ते मारो आप सबको निवेदन है कि समय की नजर को समझना है पड़ी 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 और मौको तो अपने गजेंद्र सिंह नहीं देना सब काम अपने हो आजकल अंग्रेजी इंग्लैंड और अमेरिका और मन लगे कुछ बेसीदा सब में आवे हेर गड़े धोरम आवे मेहमान पूछ तुम घटे कि आदमी शांति अटीज में जिन पर देव रमन ने आवे उन दस नर नारी गावे धोरा धरती धोरा रही इन वास्ते मोरे इलाके ने आप पर्यटन क्षेत्र में विकसित कर अब गजेंद्र सिंह साहब लगातार 10 साल मंत्री रहे हूं हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों दोस्त हम की मेहरबानी कर वो कंपनी और कुछ बजट हुए सीएसआर बजट तो वो सीएसआर नालो मरे हेड में खोल दी सीएसआर में आप काम कर दियो एक पूरे मारवाड़ी मां मारो क्या काम नहीं है जोधपुर एयरपोर्ट और नाम महाराजा उमेश सिंह जी नाम होना चाहिए होना चाहिए भगत की अपर एरी भगत की कोठी मंडी बन गई पहली होती मंडोर में बड़ी मंडी बन गई ए श्रेणी उन मंडी का नाम वीर दुर्गादास राठौड़ नाम होना चाहिए बेप्रताप वीर एक अपर जसवंत सिंह साहब रो सपना हो के एम्स रो नाम अब उनमें कोई डकई प्रक्रिया भर ध्यान को नहीं पर मैं सेकाओ साहब को निवेदन करूं कि आप उन परिसर नाम भी अगर भक्त शिरोमणि मीरा भाई नाम कर दो तो दाता रही वो ही सपना पूरा होता ये मारे फोड़ रोड फाटो जो है 8 में 9 बीघा 18 बिस्वा फौजी और वासी जमीन अलॉट पड़े करी क्यों उम्मीद राम जी उठे ऊपर है बड़े सारो ईसीएच सैनिक कल्याण अस्पताल स्वीकृत वो हॉस्पिटल बनी उठे सैनिक और वेलफेयर का काम हुई सैनिक और शहीद स्मारक बनी जवान अमर जवान ज्योति बनी सब शहीद और स्मारक लाग उन्हें विकसित करने वास्ते मारे बजट दिला दियो तो मारो एकदम ना कह पूरे शेर गढ़ में बिछे अपर टावर अग्निवीर परीक्षा में भर्ती हो जाए तो कई टावर आन के कि 4 साल लो नौकरी है मारे थोड़ी तिरंगा बढ़ जा मारे छुट्टी और प्रावधान हो जाए 4 साल बाद में मारे नौकरी और गारंटी बढ़ जा प्राइवेट या कटिंग सरकारी थोड़ा गुण में मारे कोई नियम जोड़ दो तो अग्निवीर परीक्षा में टावर और भलो उन्होंने भी आप समीक्षा करना आप देखा जी दूसरों योगीराज अदोसा गोगादेव जी राठौर सेखाड़ा में मंदिर है और वास्तव में वे अपर वास्ते पूजनी है अभी पूजो भी हो उठे मोरो पेनार मो बने और सेखाड़ा में कन्या महाविद्यालय है उन्हें नाम गोगादेव जी नाम हुए तहसील सेखाड़ा है तहसील सेतरावा नहीं यहाँ सेतरावा तहसील लगी यह सबरी मांग है मरो मरो ही परिवार सेतरावा मुख्यालय माते वीरम देवी राज हो उठोई चुंडा जी मंडोर पदारियान जोधपुर बसायो इन वहां से सेतरावा तहसील ने आप हमें आपाची समीक्षा हुए गजेंद्र सिंह साहब भी कैबिनेट मंत्री है गजेंद्र सिंह जी खेवसर साहब भी कैबिनेट मंत्री है सही दो ही मिलने जो मने भिड़ो ले जा हेतरावा तहसील ने जोधपुर जिले में रहा आमोरी मांग है देखू कार्यकर्ता लोगों ने भी आप चर्चा कर लीजिए और कहीं इच्छा है मार्केट तो मांग क्षेत्र वाले यही वास्ते मांग आप व्यवहारी हो कि मोरे वास्ते एक बहुत बड़ो एक जीवंत रेखा है बस तो में आप मोरे वास्ते बढ़िया बहुत पड़े उन लोग का भी फायदा मिली पर देखो उन्हें हाइट की बढ़े कहीं बढ़े उठे भी कोई यारो प्रोजेक्ट बन पाने की समस्या का समाधान हुए आप खासा एनिकेटी बढ़ाया आगोड़े ही बैठ रखो है आगोड़े ही दुग डोनिया बायला ने तुड़े उठे तड़ा बहुत हो था तो आप जेडीयू में एक आगोड़े में एक और गया उठे दिल्ली रा 200-300 टैंकर भरी थी
तो जेडीयू जो केंद्रीय योजना हूं जो राजस्थान सरकार योजना हूं जो पर ताड़ा में माते कुछ विकास करे वो मोर परिंडो है उन्हें कौन बढ़िया। अब आपने तो निवेदन है और भी जगह विकास का कार्य है, केंद्र सरकार है, राजस्थान सरकार है, आप री जानकारी में आवे वे मोरेटे लागू करो तो मोरे शहर की जनता भी लाभान्वित हो। और कागज में आप दे हूं महाराज मोटा मोटा एक कौम है एक कौम बुझावे तो काफी कौम बड़ो बुझावे इन वास्ते मैं हमारे गजेंद्र सिंह साहब खाने गयो था। गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे शेर के सारे काम का और आप कैबिनेट के मंत्री है इन वास्ते जगह राजस्थान कैबिनेट राज्य मंत्री है वो जानो कौम कौन वे तो खुद मंत्री जी बुलाए आज है उन्होंने बुला ले जो मोरे कौम में कोई कमी नहीं रही इन वास्ते मैं जगह पत्र दिया उन्हें गजेंद्र सिंह जी साहब हाथों हाथ लेटर लिख मुख्यमंत्री ने फोन कर दिया बार हम भी कहियो मैं हिम्मत नहीं खोला। आरडी 159 आगोड़े कुटड़ स्कीम वास्ते संशोधित स्कीम स्वीकृत करने वास्ते उलट रहे गजेंद्र सिंह जी आरडी 154 134 जगी देवानी चाबा है उन्नो लेटर है वो गजेंद्र सिंह लिख दिया सीएम बात ही कर ली और उन्होंने ऑर्डर भी आए कि 500 सर्वे कर लो आदेश आए वापिस अब सर्वे शुरू हो रहा है आचार संहिता के अंदर अंदर इसकी बढ़ा देंगे आचार संहिता खत्म होते सैंक्शन करा दे। एक 100 टूबे पर अठे हैं नकारा होगी उन वास्ते ये लेटर लिखियो है गजेंद्र सिंह साहब के भाई टूबे पास ही खोदनी चाहिए नहीं कटे पानी मीठ हो गए 100 टूबे उन लेटर भेजो यूरियो एक आगोड़े में सीधी में भारतमाला का लैंड लानी था गगाड़ी आगोड़ाई 25 करोड़ की स्कीम बन गई सरकार का पेंडिंग है उन्होंने लेटर भी गजेंद्र सिंह जी लिख दिया और कन्हैयालाल जी मंत्री रूपा से लेटर आएगी हो कि मेरा आचार संहिता खत्म होते आपने मंजूर कर दिया आदेश आ गया 25 करोड़ रुपया है आपने मंजूर पचे ऊपर 7 पीएससी ने सीएससी बड़ा हॉस्पिटल बनाना और 41 पीएससी बनाने वास्ते गजेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखी है और लेटर आप नाम एक ऊपर लोगों ने मांग है कि भाई नगर पालिका पर देवनगर खारी बेरी कोई इंदा कोई जोधा ए डोनियम बछुड़ी है नगर पालिका बड़ जोड़ दी एक भी आगे नहीं तवे वो सर्वसम्मति प्रस्ताव लियो के भाई पाछा पंचायत पर दो उन्हें बाहर भी लेटर लिख दिया ठीक बात है भाई सही बात है करता है इन्हें लेटर लिख दी हो और अभी आप कार्रवाई एमएलए आज हाँ सरकार ऑर्डर आयो कि भाई राजस्व कौन भेजो डमर सड़को वो ध्यान दियो को अधिकारी मन मर्जी करी 138 सड़कों में लंबाई कम ली मेरे पास ही सर्वे कराई 138 गांव में लंबाई कम होती उन्होंने 500 प्रस्ताव त्याग कर और 114 गांव छोड़ दिया जगह में सड़कों मंजूर नहीं तो ऐसे ही मामले में गजेंद्र सिंह जी लेटर लिखा है कि 114 गांव जो छोड़े गए उनमें सड़कें बननी चाहिए जिसमें लंबाई कम हुई वो भी बननी चाहिए और भी लेटर लिखी एक ऊपर 157 रुपये लो अजय जनता दल योजना हूं पीएचडी में नहीं गई पीएचडी में लेने के लिए भी लेटर लिखा एक ऊपर कुछ छोटा मोटा काम है मैं लिख रहा है एक हमारी आप सबने कुछ कभी दू के केंद्र सरकार तरफ अपन लेटर आयो के जो पानी निवास से चयनित ढोनियो है 2011 उनमें सड़कों पर और आदेश आते ही मैं सब कार्यकर्ताओं ने बुलाया नहीं बुलाया भाई आप भी सलाह हुए कटी पहल का एमएलए साहब करिया जो कटी भरटे कौम नहीं कार्यकर्ताओं से लंबाई ली और लंबाई लेकर के 945 सड़कें जो अब शेरगढ़ में बनेगी तो आपने लिख के दी वही लंबाई भेजी और उसका भी लेटर गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब ने मुख्यमंत्री जी को लिख दिया कि ये सारी सड़कें जो हमारे कार्यकर्ताओं ने लिख के भेजी है उतनी लंबाई की सड़कें मंजूर होनी चाहिए हमें तो कहीं सब बताओ कॉमरी बाढ़ आई
भारत माता इन वास्ते मैं आप सबने निवेदन करना चाहूं अरे ना वही बैठो हमें बैठ बैठ ये हमारे खास बने हुए बाबा और जटी ने मारवाड़ रहे उन्हें राज में जो मारवाड़ के एक ही बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा पैर के थोड़ा व्यू लोग तो बाड़मेर जैसलमेर और जोधपुर मन हेंगो नहीं थे एटा में राज चला गया हम भी मारवाड़ हाथ दियो राज बन को बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री रहा जयनारायण जी रहा व्यास रहा और अशोक जी गहलोत रहे रामराज जी पार्टी बनी महाराज हरमंद सिंह साहब ने तो चुनाव लड़ियो एक तरफा सीटों आई उनके भी अगर वे हेलीकॉप्टर टेस्ट नहीं होते तो राज राजस्थान में महाराज हरमंद सिंह जी का मंत्री हटे पूनम चंद जी बिश्नोई नरेंद्र सिंह जी भाटी परशुराम जी मदेरणा राम सिंह जी बिश्नोई खे सिंह जी राठौर कैबिनेट पर तो राज हमेशा वही थे अब गंगा सिंह जी शेखाव साहब राज मैं तो शेखाव साहब आई निवेदन करूं मारवाड़ में हमेशा एक जाट और एक राजपूत हमेशा मारवाड़ से मंत्री रहा इन वास्ते मैं आप निवेदन करनी चाहूं कि हमारे मारवाड़ में कोई मंत्री को आप तो बहुत मोटा मंत्री बनो कैबिनेट मंत्री बनो पर एक आशीर्वाद मान दे दो ऊपर से दे दो थे खत को ये मारवाड़ी राजस्थान में राज करेगा पूरे जोधपुर में कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई होगी आपको भी परेशानी नहीं है इन वास्ते मारो आप सब कार्यकर्ताओं निवेदन है भाजपा हमारा परिवार है हमारी मां है मां मारे पर मारन खुद है मार करने कई नाराज होना है जो अपना होता है जिसका अपनापन होता है वो ही नाराज होता है कौन भागना है नाराज को मिल पसंद तो मैं बोलो कौन करूं राजी कर बैठू इस वास्ते मारो आप सब वही निवेदन है कि हमारा आपने टिकट मिली हो मैंने ही सोचता कार्यकर्ताओं ने कोई कांग्रेस लोगों अठे कार्यक्रम रहा कई कांग्रेस लोग जावे आप काम करा लावे हमारे कार्यकर्ता अंगूठा बतावे के देख लो मैं तो काम लेना आएगी इन वास्ते आपने आज और प्रार्थना है कि अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान होना चाहिए और माध्यम ही काम होना चाहिए थोड़ी बहुत कार्यकर्ता और रिवण हो तो आप नाराजगी देखी और आपका कार्यकर्ता आपके परिवार है आप विरोधी देखियो आज आप स्वागत भी देखी और हमें धके धके स्वागत ही स्वागत है क्यों है कि नहीं भाई बताओ हमें तो भाई आपके परिवार के हैं रिवण हो आपको करो राजीव हो आपको इन वास्ते मारो आप सब निवेदन है कि नाराजगी भले ही जताओ पर वह नाराजगी को नुकसान नहीं होना शेरगढ़ के लोग सब ही मानी माने कोई पौड़ी वाली मांग है तो नहीं मारा बड़े रही पका लान पीता बस मारो तो मान सम्मान राख दीजिए मारे घने ही यहाँ पे ठहर मान सम्मान रहे सब बताओ हम की मारे शेरगढ़ रे मने डिप्रेशन में जॉब बड़ो टेंशन रहो मैं क्यों शेखाव साहब ने वचन देना है क्यों कार्यकर्ता दौड़ ही नहीं जटे योसर मसर में जाऊं के हैमर मन में कावड़ी है मन में फर्क बताओ होता नहीं होता सही बताओ
हमें हो हमारी बात, हमें थोड़े आगे हाथ रोल प्रार्थना है बाबू से भी भारी लाज राखो भारी जिद राखो और टाइम मैंने थे एक लोग छोड़ दियो मारो साथ दे दियो भारी जिद राख दियो और इधर राखो दोनों हैंग एक तरफा गजेंद्र सिंह जी ने जो पहल के जीता है उन हल्ला बटो जीता दी हम कई ये कौन रखे के मोई को मरे बेड़ा है भाषण हुई जाते उम्मीद दिया कई पत्रकार कह के जुड़िया तो है पर दिल को जुड़िया मैं आप सब कार्यकर्ता चरणों प्रार्थना करूं मैं मेरी कुल देवी नाने चाहे मां को साक्षी रह के कह रहा हूं कि बाबू सिंह गजेंद्र सिंह के साथ दिल से हमें और बाबू आए जो गजेंद्र सिंह जी काबू हमें थे कार्य में थे फर्क राशि एनसी में कोर्ट लगी तो बाबू पसे पासो कर दिया हमें कब पसे पासो कर दी मैं को मिलो पर इन वहां से भरो लाड राख दियो मारे कार्यकर्ता लाड राख जो शेर करो लाग भैरू सिंह जी शेखा और मारा आदर्श आप नहीं आदर्श हमारे राजनीतिक गुरु थे हम तो आपको भैरू सिंह जी की जगह पे देख रहे जैसे भैरू सिंह जी आदर्श थे हमारे वैसे आप भी हमारे कार्यकर्ताओं के आदर्श बनो अपन भैरू सिंह साहब का दोहिता है अभिमन्यु सिंह अपन जोधपुर संभाग का प्रभारी है और देखो भाई तो देखे कौन सुंदर है तो भाई बारे दीवरी बार कहता हूँ मैं गणित लाड आ क्यों भैसा क्यों ईमानदारी ऐसा नेता तो भूतों ने भविष्य तो आप और इस जगह बैठो आप भी भैरू सिंह जैसे आदर्श बढ़ो और लोग आपको राजनीति गुरु बनाए शेरगढ़ी जनता रो तो मैं पर आप सब रो आशीर्वाद है और आप सब रो एहसान है वो पहले 2000 में जीता है वो जिला परिषद नाथ रोड ढोनी में जन्मे बाबू सिंह ने 2003 में ही आप जीता 2008 में ही आप जीता सेवर मौक 2013 में ही आप जीता तीनों ही चुनाव तक गजेंद्र सिंह शेखावत साहब राजनीति बटे सक्रिय होता सीमा जन कल्याण समिति को काम करता है 2014 चुनाव होया पर 2008 में आप मैंने जीते हो 36,000 को एंड गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो अभी बुला दिया 50,000 को घने वोट जीता बस दो एक बने तो मारे आगे राजीपुर है बस कोई छोटे बात बात छोटी छोटी बात देखो के गड़ी वे गलत हो जा थोड़ी नाराजगी हुई मारी लेकिन मारो आप सब निवेदन है कि सुबह भूले रात रो घरे आवे तो उन्हें भूला नहीं कहते और 2018 का चुनाव आया मने आप है देखो 25,000 हूं मैं चुनाव उठे हार गयो उनमें थोड़ी पटको पार्टी की मेहरबानी रही जनो कहो के हमें तो अपनों ने लूटा घेरों में कहां दम था मेरी कश्ती भी वहां डूबी जा पानी कम लूट कर हमको पाया भी क्या था मेरे पास तो लूटने के लिए बस यादों का समुद्र था मेरी कश्ती भी पहुंची थी किनारे तक साहिलों के पास तो रास्ते का न मंदिर था बहुत भटके थे मंदिर तक पहुंचने के लिए पर रास्तों पर लिखा था इधर का रास्ता बंद था ऐ अजीब सी फितरत हमारी भी दोस्तों हम गुजरे उन्हीं रास्तों पर जा काटो का दमन इनवा से आप 2018 में 25,000 रुपए हार गए थोड़ी एक बारे मन में गलत फहमी आए कि 3,000 जीत जो मने अठे को हरा
बहुत बार बनवास भुगत रहे हो तो मारे हुआ एवरी निकल। और 2019 के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने आप 40,000 वोटों जीता। कितना वोटों जीता हम भी बता दो कितना वोटों जीता। हाथी कह दो, हाथी कह दो भाई ईमानदारी, हाथी कहो है एक बड़ी होनी चाहिए, एक बड़ी होनी चाहिए कितना है को भैया हमारी टाइम थे कहता 50,000 जीता कहता को तो 25,000 जबकि पैर की लीड 25,000 आप 50,000 जीता दिया भाई खान धनीवाल। और हमें एमपी साहब ने कितना वोट जीता सही कह, लोड़ी में मंत्री है लोड में मंत्री है वो लड़ रहा को मारो नंबर आ जाए बस। कितना कहूं शेखो साहब ने 1,00,000 वोट जीता हाथ खड़े करो सब। एक लाख वोटर हैं कह भाई पूरा खड़ी खोल दो होली। हाँ होली नहीं है आम आदमी पार्टी घड़ा पे वाली पार्टी कोई ओबूर दे रहा था खड़ी। हाँ उसे तेरे जो इन वास्ते मारो आप सब निवेदन हो है कि हमें है विचार कर लीजिए समय की नजाकत है गलती करी तो समय माफ नहीं करेगा इतिहास माफ नहीं करेगा। आप सब एकजुट हो परा जो मैं मारे इसने साक्षी मौनियो जो आप सब कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रार्थना है कि आप रे इसने साक्षी मौन हाथ खड़ा कर गजेंद्र सिंह ने समर्थन दे दो कि वे हैं कार्यकर्ता एक साथ खड़ा पूरा कार्यकर्ता जगह मन में कहीं कुटला हाथ खड़ो मत कर दो तो हगना हाथ खड़ा करो जरूरी इन वास्ते भारत माता उस थोड़े मन में शंका में खत्म एक थोड़े मन में आयो के भाई बड़े समय राजनाथ सिंह जी सभा हुई जरा मारे शेर कर लो अपमान हमें दे आज खत्म करो दादा बेटे अड़िया गड़िया दादा बेटे रात की बात की मैं कह दू दूसरों का ही हो क्या सर्वे की हमारी भावना है पांच बाबू सिंह ने मेरी कामया क्योंकि लारे 5 साल फोड़ा घना पड़िया तो टिकट में मारो 4 बार टिकट होल्ड तो सब लोगों ने कार्यकर्ताओं ने चिंता हुई कि हम की क्योंकि रोज भे हैं ना चाहू हम है भोज खंड होगा मैं तो ना दिल्ली गयो ना जयपुर मैं लोगों के बीच में भिंड ढूंको जरा बूढ़िया लोग मारे मुंडे में हाथ फेरे मैंने कहे मुंडो क्यों होता है टिकट पार्टी करने वोट मारे खाने हैं तो लौट हो रहे अरे मैं निंदनी है हमकी कौन जा हम कितो और लाड है मतलब आप कई बुजुर्ग मने मिलिया कहता के थोने टिकट मिल जाओ मैं थोने वोट दे दो मोर आखिरी वोट एंड थे जीत जाओ तो मैं मरी मुकत और गांव में आप बात चली वेला से भूट जाओ जुड़िया में जेठू दौन जी मक सिंह जी घुड़ियाला काले में स्वाम सिंह जी रोड क्यों देवराजगढ़ में हमारी डेथ हुई परसों इस बार वोटों में कहो माने बैगो ले जा मोटी बाबू सिंह ने वोट दिला दे कहीं जीव दी जीव एमएलए साहब कटी खा पड़ी तो नाराज सरगा सुगा मैंने वोट दे दिया चनाराम जी गोरा हमारी परसों ही दिना उमर चनाराम जी मार खाने में गयो चनाराम जी गोरा धाट मुड़े मार हाथ बांध के बाबू सिंह जी आखिरी वोट फान दे उन एनवास ने दियो उन क्या बात तो ये एक स्नेह है इन वास्ते मैं आप सब ने कहूं कि लाले 5 साल ओपे 10 साल लारे गया था एंड आपने हाथ जोड़ निवेदन है कि एड़ी गलती मती कर दियो के कटी शेरगढ़ अपर 10 साल भरे दर जाओ आप सब निवेदन हो
के दे करण सिंह ने वोट देओ तो पस्ता डालो कहीं को मिले शेरगढ़ रे पूरी जनता ने आह्वान करे इन मंचो आह्वान करो कि अगर कांग्रेस को और करण सिंह को वोट दोगे तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वे पर कहीं बोलो इन वास्ते आप सबने हाथ निवेदन है पीर पर्वत से पिघल नहीं चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकल नहीं चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी सब, लेकिन फीकी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैंने सीने में नहीं तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। हो कहीं आग लेकिन वो आग जलनी चाहिए। थोड़े को काट दे थोड़े काट दे आग लागी थोड़ी कम हुई काट दे आग नहीं लागी तो भाई हमें देखो मेहरबानी कर हमें आज है गड़िया गड़िया दादा मेरे दीदी बोल दियो हमें तो मत करो हमें से मैं कार्यकर्ता हूं निवेदन करनी चाहूं हमारी इज्जत आपके हाथ में हमें इज्जत आपको ना भिड़ा है कि यार टिकट मांगो है मांगो पार्टी है मोरी है टिकट मांगने के बाद टिकट एक नहीं भिड़े भाई पार्टी सबको साथ होना चाहिए। फिर जिनको टिकट नहीं मिलता है वो भीतरघात करते हैं गद्दार कहला खिलाफत करते हैं वो विरोधी कहला खुलो हम ही खिलाफत करें देखो विरोधी हो सके। मारो आप सबको निवेदन है कि बाबू सिंह गद्दार तो नहीं बनेगा ना धोखा देगा ना दगा देगा दगा किसी का सगा इन से आप भी निवेदन है कि नहीं धोखो मत दे दियो दगो मत कर दियो दगा किसी का सगा अगर वो भर जाओ तो खरी तोड़ और खरी तोड़ एक तरफा यू नहीं शेर कटू कह नहीं मारे बोल मुखिया क्या करे हवा भी उड़ दे हवा भी उड़ दे हवा निकल गई नहीं तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जाए मामलिया पर रिश्तेदार कोकड़ा पर भाई है केड़ पर रिश्तेदार दौड़ पर रिश्तेदार पहुंच पड़ता बदल है भिड़ाओ बात करो बत्ती दो भाई का एक एक रिश्तेदार ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में फोन करना करो निकलो बताओ एक एक फोन करना है। इन वास्ते मैं कहूं आपने के कुछ मारे हाथे जगह भी धोखो करियो गदार पड़ो करियो आज आप समझ आई कहूं भाई धोखो कड़ी मत देजियो धोखो बड़ो भूडो है। आप सबने तो निवेदन है सोशल मीडिया में कोई ओरशन लिखे उन्हें रोको उन्हें हम दो है ना मैं अपने आज सोशल मीडिया में पॉजिटिव प्रचार दचान कर प्रत्येक मोबाइल पर सारी भर दे सोशल मीडिया ने की भर दे पूरे भर है मेरा फोन है गुजरात तू जो मैं चुनाव सभा का नाम मैं गजेंद्र सिंह जी उठे सभा विशाल सभा करो कहो स्वागत करो अब स्वागत हुई कहीं को मेरे नहीं वोट पेटे भरो करो बूथ जिता दो पेटे जिता दो और बूथ जिता दो पे यो दिल राजी कर दे एंड पछे यहां पर कागज खड़ो करो इन वास्ते भरो आप सब निवेदन है सामग्री आपने मिल गई पंचायत भाई झंगो ने सामग्री दी हो मिली भाई हमें नहीं सामग्री आप ले ली हमें झंडा लगा दो गाड़ियां लगा रहे स्टीकर लगा दो और 30 तारीख को गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब की नामांकन रैली है पोलो मैदान कारखाने 30 तारीख गई हूं मैं हाँ मैं तो कही है कि काले करे सो आज कर आज करे सो अब मोर तो भी वो आज अभी जची हुई है आज वोट वही पेट पर फिर बात है 8 विधानसभा में समूह ज्यादा संख्या अगर कहीं हो तो जोधपुर में जान शेरगढ़ ने गुंजा दे दियो ठाकुर जी दिलेर मन कहो कि मैं जोधपुर में वादा कर दिया बारे कर दिया मैं तो पोल पड़ी है और हेगड़ हिला दिया जोधपुर सारा झुकना पड़ा सरकार कांग्रेस को और एक नेता नहीं बोले जोधपुर का नाम हटा दिया जोधपुर ग्रामीण जोधपुर पश्चिम मैं मोने भाई तो नाम जोधपुर हटाओ पोल पड़ी है
झुकड़ो पड़ियो पास दो दूर करियो दो दूर कमेंट करना पड़ियो एक घंटे ट्रैक में पड़ियो रैली काट दो गांव गांव हर पंचायत रैली और वीडियो बना दो कि हमारे गांव वाली रैली वजीर बोला दो जोधपुर 5000 लोग पहुंच जाते थे कितना आप कौन से करता कितना करा 10000 10000 जीत रही अग्रिम बधाई दे उन जीत सब पे ते उन सब री लाज रखो मैं फॉर हेमो करू पे ते हैं कह दो भाई मन कह दो पे क्या बोले करन सब राजी भाई करा दो हाजत माता की